श्री गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 52वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चल रहे श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर शनिवार को कथा व्यास श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य महाराज विद्या भास्कर ने व्यासपीठ से कहा कि भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़ा धनवान भगवान का भक्ति होता है क्योंकि उसके पास संसार का परम धन होता है। उन्होंने कहा कि राम रतन से बड़ा कोई धन नहीं है। संसार में कथा श्रवण का यही तत्व है कि कथा श्रवण से भक्त की भक्ति भगवान में बनी रहती है, वह सदैव भगवान के करीब रहता है और संसार के वैभव व सुख रूपी माया में मन नहीं लगाता है। भगवान की प्राप्ति में निर्मल मन का होना परम आवश्यक है क्योंकि भगवान को वही प्रिय है जिसका मन निर्मल है। छल कपट द्वेष ईर्ष्या की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर को नहीं पा सकता और निर्मल मन कथा सुनने से ही होता है। कथा श्रवण वह गंगा है जो मन के समस्त दुर्भावनाओं को दूर कर देती है। कथा व्यास ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यज्ञ में सभी वर्णों के लोग एक साथ एकत्रित होते थे और सभी वर्णों का समान आदर होता था। हर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य पर चर्चा होती थी और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य से और अपने अधिकारों से संतुष्ट होता था। यदि कहीं कोई किसी को समस्या होती थी तो उसका प्रतिनिधि यज्ञ के अंतर्गत अपनी बात को रखता था। उस समय यज्ञ सबसे बड़ा अधिवेशन होता था। इस अवसर पर योगी कमलनाथ, विधायक महेंद्र पाल सिंह, गोरख सिंह, अवधेश सिंह, अजय सिंह, विकास जलान, राधे श्याम सिंह, महेश पोद्दार, डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ब्रिजेश मणि मिश्र मौजूद रहे।